ओके सो टूडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके मैंने जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर सी एस आई नेट में जो क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है तो क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है पहले से ही ठीक है Obviously, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आया था स्टेटिस्टिक्स का जो पार्ट है तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था सी एस आई आर नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था ठीक है इसमें यह पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट हमारे पास चार स्टेटमेंट दी गई थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग और उनमें से हमें एक स्टेटमेंट चूज करनी थी जो इनकरेक्ट थी ठीक है तो ये चार स्टेटमेंट हैं स्टेटमेंट थी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्मिट्रिक है अराउंड मीन सेकंड स्मिट्रिक है अराउंड मीडियन थर्ड थर्डिट्रिक है अराउंड वेरिएंस और इट इज इज्रिक अराउंड द मोड ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स थी इसमें से एक स्टेटमेंट पिक करनी थी जो इनकरेक्ट थी ठीक है तो इसी को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ठीक है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक आइडिया ले लेते हैं क्योंकि हम जो है टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे आ, ताकि ये जो है जब हम एग्ज़ाम देने जाएं तो हमारे लिए जो है हेल्पफुल हो जाए ठीक है अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई एक और क्वेश्चन बनता है तो हमें आ, जो है वो हिंट होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है ये तो हम यहाँ से पिक कर देंगे कि इसका आंसर ये है बट हम इसके जो नियर बाय जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था हमारे मैथमेटिशियंस थे कार्ल मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच फ्रेडरिच गॉस ये नेम हम इसलिए रा, राइट डाउन कर रहे थे क्योंकि नेम के बेस पे कर्व को नाम दिया गया था ठीक है तो ये मैथमेटिशियन थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस इन्होंने क्या था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो था एक्सप्लेन किया और एक कर्व दी इन्होंने ठीक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर्व दी इन्होंने जिस कर्व को हम क्या बोलते हैं गोजियन कर्व भी बोल देते हैं गोसियन कर्व गोजियन कर्व ठीक है तो गोजियन कर्व कहाँ से नाम आया क्योंकि जो मैथेमेटिशियन थे इनका नाम था कार्ल फ्रेडरिस गोव इसीलिए इस कर्व का नाम था गोजियन कर्व जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी गई थी ठीक है और सेकेंड पॉइंट था यहाँ पे कि इस कर्व को और क्या बोला जाता है इस कर्व को बेल शेप कर्व भी बोला जाता है बेल कर्व भी बोला जाता है ठीक है बेल कर्व क्यों बोला जाता है क्योंकि इसकी जो शेप थी ना वो बेल शेप थी बेल शेप बेल की तरह जो है, इसका था इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है बेल कर्व भी बोला जाता है ठीक है तो हम अगर कर्व ड्रॉ करें कि कर्व कैसी थी तो कर्व कुछ इस तरह से दी थी इन्होंने जो किसके लिए दी गई थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कर्व दी थी वो क्या थी इस तरह से बेल शेप कर्व थी ये इन्फिनिटी जो है वैल्यूज यहाँ पे लाए कर रही हैं इन्फिनिटी के लिए लाए कर रही हैं ठीक है ठीके? तो अगर हम यहां से देखें शेप कैसे है बेल शेप है इसीलिए इसका नाम क्या था बेल कर्व ओके तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है ठीक है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है इट इज ऑल्सो नोन एज गोजियन कर्व बिकॉज ऑफ द मैथमेटिशियन गेव दिस कर्व ठीक नेम वॉज फेडरिज कार्ल कार्ल फ्रेडरिच गॉस सो द कर्व इज नोन एज बैल कर्व ऑल्सो ड्यू टू इट सेकेंड हम जो थे इसकी कुछ की फीचर डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फीचर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है ओके फीचर्स क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो मेन मीडियन और मोड ठीक है ये तीनों वैल्यूज जो होती है जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की दे आर इक्वल एंड ऑलवेज लाई एट वन पॉइंट ओके वट वी आर ट्राइंग टू से इनकेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं ठीक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो जो मीन है मीन की वैल्यू होगी मीडियम की वैल्यू होगी या फिर मोड की वैल्यू होगी दे आर ऑलवेज इक्वल इक्वल एंड दे विल लाई एट वन पॉइंट ओके ये एक बहुत ही मेन फीचर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का कर्व से समझ लेते हैं ठीक है क्या बोल रहा है कि ये एक पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे ठीक है दिस इज द पॉइंट तो यहाँ पे मीन हमारा लाई करेगा ठीक है दैट इज इक्वल टू ऑल्सो मीडियन एंड ऑल्सो इक्वल्स टू मोड ओके दिस पॉइंट अगर मैंने ये कोई पॉइंट लाए यहाँ पे ये ड्रॉ किया पॉइंट ठीक है द पॉइंट इज हेयर द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मीन एंड मोड ये तीनों की वैल्यू क्या है इक्वल है और ये तीनों क्या है इस पॉइंट पे लाए कर रहे हैं यही फीचर जो है वो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यही बोल रही है कि जो मीन मीडियन मोड है दे आर ऑलवेज इक्वल एंड दे ऑलवेज लाई एट वन पॉइंट तो यह हमें क्लियर हो गया ठीक है सेकेंड पॉइंट हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं ठीक है ये बोल रहे कि सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ठीक है तो तो ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा ठीक है दैट इज स्मिट्रिक वो स्मिट्रिक होगा स्मिट्रिक नियर मीन मीडियन और मोड जो वैल्यू होगी या डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा डेटा का दैट इज मिट्रिक ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है दैट इज मिट्रिक किसके इर्द गिर्द वो गिर्दिट्रिक है नियर मीन मीडियन एंड मोड हम यहाँ पे एक वैल्यू भी उठा लें क्योंकि तीनों की तो बराबर है कोई चीज बराबर है तो हम या तो मीन लिखें वो भी एक ही बात है मीडियन मोड क्योंकि तीनों बराबर हैं ठीक है थीके? तो इनकी नियर बाय क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन समीट्रिक होगा ठीक है इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लेते हैं वड यू मीन बाय स्मिट्रिक मिट्रिक बोलने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना मीन मीडियन मोड जो कि इक्वल हैं इस पॉइंट को अगर लें तो ये बोल रहा है कि इसके इस पॉइंट के नियर बाय जो होगा डेटा वो समिट्रिक होगा एज़ कंपेयर टू फार अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ठीक है मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी है डेटा की जो डेटा वैल्यूज लाई करेंगे वो इस पॉइंट के नियर बाय जो हैं वो सबसे ज़्यादा लाय करेंगे मीन्स जो फ्रीक्वेंसी होगी डेटा वैल्यू की वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाय करें इसीलिए यहाँ पे कर्व की पीक है इस पॉइंट पे कि सबसे ज़्यादा वैल्यूज यहाँ पे लाय करेंगी जैसे जैसे हम इससे फार अवे मूव करेंगे इस पॉइंट से जो कि मीन मीडियन या मोड का पॉइंट है तो ये जो वैल्यूज हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कम होता जाएगा ठीक है तो मीन्स इट इज मिट्रिक नियर दिस वैल्यू ठीक है एंड जैसे जैसे हम दूर की तरफ दूर आ, या फार अवे फ्रॉम दिस पॉइंट मूव करेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कम होता जाएगा ठीक है थर्ड पॉइंट हम आ, ये सेकंड स्टेटमेंट थी थर्ड स्टेटमेंट इसकी अगर हम डिस्कस करें ओके okay, ये तो हो गया अब ये बोल रहा है कि जो वैल्यू होती है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमें याद रखनी है वैल्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये किसके बराबर होती है इक्वल्स टू वन वन पॉइंट जीरो बोल लो या वन बोल लो ठीक है तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमेशा एक होगी इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू इज इक्वल्स टू वन एंड अगर हम देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन इज वो डेंस है डेंस कहां पे है डिस्ट्रीब्यूशन एट देंटर ऑफ द कर्व सेंटर और अगर मैं इसकी टेल्स पे देखूं या अवे देखूं सेंटर से तो ये लेस होता जाएगा ठीक है ये तो हमें कर्व से ही दिख रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज डेंसर नियर द सेंटर ऑफ द कर्व बट जैसे जैसे हम टेल की तरफ मूव करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन uh, है डेटा का वो लेस होता जाता है तो ये तीन पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन बोल रहा था कि नॉर्मल uh, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड uh, जो है स्टेटमेंट है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्मिट्रिक होता है अराउंड मीन अब इसी ने इसी जो एक स्टेटमेंट थी इसी में से तीन इसने स्टेटमेंट्स जो थी बना दी थी इसी में से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है ठीक है हमने तो तीन चार स्टेटमेंट डिस्कस की ना जो सेकंड स्टेटमेंट हमने बोला कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्मिट्रिक होता है और नियर मीन मीडियन एंड मोड और एक स्टेटमेंट हमने डिस्कस की ठीक है जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन इज इक्वल टू मोड एंड मोड इज इक्वल टू मीडियन एंड मीन इज इक्वल टू मीनस मीडियन मीन्स तीनों वैल्यूज जो है बराबर होती हैं और ये कहां पे लाए करती है